बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र में लगातार फुटकर दुकानदारों को वेंडिंग जोन बनाकर सुरक्षित स्थान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज मेयर पिंकी देवी ने बीपी स्कूल चौक के समीप अस्थाई वेंडिंग जोन का उद्घाटन किया। इस मौके पर मेयर ने बताया कि फुटकर विक्रेताओं की सुविधा के लिए नगर निगम प्रशासन प्रयासरत है। जहां भी जमीन उपलब्ध होगा वहां फुटकर विक्रेताओं के लिए अस्थाई वेंडिंग जोन बनाकर उन्हें व्यवस्थित किया जाएगा। उन्होंने फुटकर विक्रेताओं से अपने आवंटित दुकानों के आगे डस्टबिन रखने एवं नगर निगम द्वारा गमला में लगाए गए पौधा की देखरेख करने की अपील की। सरकार का गाइडलाइन है और नगर आयुक्त और जिला पदाधिकारी के संयुक्त बैठक में ये निर्णय लिया गया था जो अतिक्रमण को हटाया जाए और नाला को साफ किया जाए, सड़क और नाला को, नाला पर जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाए। तो इसमें हम लोगों का ये पूरे नगर निगम का टीम, पहले तो 22 से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, लेकिन जब ये हो गया तब मैंने सभी को ये दिए निर्देश जो सिर्फ हटाने से हमारे फुटकर दुकानदार कहाँ जाएंगे, इनको व्यवस्थित करना है। तो आज देख रहे हैं नगर निगम के द्वारा और अपने फुटकर दुकानदार भाई का मैं सम्मान करते हैं जो अपना दुकान को एक सिस्टमेटिक ढंग से आज ये व्यवस्थित किया गया है। इसके लिए मैं सभी दुकानदार फुटकर विक्रेताओं को मैं बधाई शुभकामनाएं देती हूँ और माँ सरस्वती माँ लक्ष्मी की कृपा इन पर बनी रहे और आज शहर को ये व्यवस्थित करने में हम लोगों का बहुत सहयोग किया है। इसके लिए इनको मैं आभार व्यक्त करती हूँ क्योंकि पहले से जो यहाँ बीपी स्कूल चौक जो देखते होंगे आप लोग आते जाते होंगे तो किन्हीं का कटरा इधर गिरा हुआ था, किन्हीं का इधर था, मतलब अव्यवस्थित ढंग से ये चल रहे थे, लेकिन आज से वो अपना एक संकल्प है इन लोगों का जो हम नगर निगम का सहयोग करेंगे और नगर निगम के द्वारा जो रजिस्टर वेंडर हैं सभी को यहाँ ठेला लगा के अपना बिजनेस करेंगे और ठेला के सामने एक गमला है रखा हुआ, इस पर भी ये ध्यान देंगे, पौधा को ये पानी देंगे और कचरा भी इधर उधर नहीं फेंकेंगे, डस्टबिन रखेंगे क्योंकि ये सड़क जो है सभी को चलने की, क्योंकि नागरिक व्यवस्था हेतु, नागरिक सुविधा हेतु जहाँ तहाँ कचरा हम मैं मतलब कहती हूँ जो नहीं फेंकिए और अपना शहर को व्यवस्थित करने में आप लोग सहयोग कीजिए क्योंकि अतिक्रमण एक बहुत बड़ी समस्या थी और इसमें अगर सभी लोगों का सहयोग नहीं होगा तो शहर व्यवस्थित नहीं होगा और जो हमारा इससे यातायात प्रभावित होता है और आने जाने वाले लोगों को दिक्कत होता है और घटना दुर्घटनाएं होती रहती है। इसके लिए नगर निगम का एक छोटा सा प्रयास है, हम लोगों का एक प्रयास है। पिछले सप्ताह देखे हड़ताली चौक से नगर निगम चौक तक एक वेंडर का ये शुभारम्भ किया गया था और आज यहाँ किया गया है, फिर हर हर महादेव चौक पर और भी जितने अस्थायी वेंडर हैं जो इधर उधर हैं, जगह जहाँ जहाँ मिलेगा सभी को बसाया जाएगा। नगर निगम का ये सोच नहीं है किसी को हटाएंगे, सभी को बसाना है, इसी शहर का ये वासी है और ये भी अपना बिजनेस करे, लेकिन नगर निगम का जो गाइडलाइन है इसमें इन लोग को सहयोग करना चाहिए।